जो चालू होता है वो होता है मंथ ऑफ फरवरी, मतलब अभी ये हमारा चालू होने वाला ही है। फरवरी का महीना लग गया, 15-20 फरवरी तक हमारी सारी फसलें लग जाएंगी। अब हम आपको उदाहरण के तौर पे समझाते हैं तो आपको समझ में बात जल्दी आ जाएगी, ठीक है। ये अभी हमने खोद के मिट्टी छोड़ दी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी इसमें पानी दे के ज़मीन के अंदर डाल देंगे अदरक। क्या डालेंगे? अदरक। ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अंदर जैसे ही हमने अदरक डाला तो ज़मीन के सरफेस पर हम बो देंगे कोई भी भाजी, कोई भी शाक बो देंगे। अदरक जैसे ही लगता है मई जून के महीने में, पर हम इसमें लगा देंगे अभी फरवरी में। फरवरी में अदरक लगाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं कि आपका जो है 2 महीने के बाद वो ज़मीन के ऊपर निकल के आ पाता है। मई जून में क्या टेम्परेचर अच्छा हो जाता है तो वो जल्दी आ जाता है ऊपर, पर इस समय हम ज़मीन के अंदर अदरक डालेंगे तो वो आएगा 2 महीने में ऊपर, ठीक है। जब 2 महीने में ऊपर आएगा तो उसके ऊपर अगर कोई फसल नहीं बोएंगे तो क्या होगी, घास उगेगी, खरपतवार होगी, है ना। ऐसा ही होता है ना, हम खेत में बीज बो देते हैं, पता चला हमारी फसल निकल नहीं पाई, उसके पहले घास आ गई, फिर घास को ख़त्म करने के लिए या तो हम दवाई डालते हैं या हाथ से निंदाई गुड़ाई करते हैं, ठीक है। तो घास ना उगे उसके लिए हम क्या बो देते हैं, कोई ना कोई फसल बो देते हैं, जैसे मेथी, पालक, धनिया, चौलाई, लाल भाजी, राजगीर भाजी, या जो भी है पत्ती वाली सब्जी जो कम समय में आ जाती है और जल्दी उखड़ जाती है, तो हम इस पर भाजी बो देते हैं। जैसे ही भाजी बो देते हैं तो उससे हमें 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला बड़ा फ़ायदा कि वो ज़मीन को पूरी तरह से ढक लेती है, ज़मीन को जब वो ढक लेगी तो कोई भी खरपतवार नहीं आए, पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब ज़मीन को ढक लेती है तो धूप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पड़ती। जब पत्तों से पूरी ज़मीन ढक गई तो डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें हैं वो मिट्टी पे नहीं पड़ेंगी, और मिट्टी पे नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रोसेस कम होगी या रुक जाएगी। तो वाष्पीकृत होकर जो पानी उड़ता है मई जून जुलाई के महीने में वो लगभग 70 से 80% होता है, तो वो 70 से 80% पानी हम वाष्पीकृत होने वाला रोक लेते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या होता है, आप सभी लोग किसान हैं, सब्जी जो करते होंगे कि जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो निंदाई गुड़ाई करते हैं, करते कि नहीं करते? निंदाई गुड़ाई हम क्यों करते हैं, क्योंकि मिट्टी में पोरोसिटी होना चाहिए। अगर मिट्टी में रंधता नहीं है, पोरोसिटी नहीं है, तो पौधे की जड़ें ग्रोथ ही नहीं करेंगी, क्योंकि पौधा हमेशा जड़ों से सांस लेता है, और वो सांस तभी लेगा जब उसमें सांसर हो, पुराई हो, मतलब सांसर ही नहीं होगी, मिट्टी एकदम कॉम्पैक्ट है, तो धूप और ऑक्सीजन कैसे जाएगी, हवा जाएगी नहीं, और जब धूप और ऑक्सीजन जड़ तक नहीं पहुंचेगी तो पौधा सांस ही नहीं लेगा, और सांस ही नहीं लेगा तो वो ग्रोथ ही नहीं करेगा, वो ज्यों का ज्यों ठेंगा का ठेंगा बना रहेगा। तो आपने देखा होगा हम लोग कितना भी खाद दे दें फसल ग्रोथ तब तक नहीं करती जब तक किसान खुरपी नहीं लगाता, एक खुरपी लगाता है पीछे से पानी देता तो एकदम से फसल हुमस जाती है, होती कि नहीं होती? तो वो क्यों होती है, खुरपी लगाने से धूप और ऑक्सीजन जमीन के अंदर जाती है और जड़ें सांस लेती हैं और पौधा ग्रोथ करता है, ये मैकेनिज्म है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने भाजी बोई है उसको हम जड़ समेत निकालते हैं, काटते नहीं हैं, जैसे भाजी लगाई आप लोग क्या करते हैं, पालक को काटते हैं, हम काटते नहीं, हम क्या करते हैं जड़ समेत सीधा निकालते हैं। तो उससे भी 2 बेनिफिट होते हैं, पहला बेनिफिट तो जैसे ही हमने जड़ निकाली तो मिट्टी उखड़ेगी, मिट्टी उखड़ेगी तो निंदाई गुड़ाई फ्री में हो गई, अपने आप हो गई। और दूसरा फायदा ये होगा कि नीचे हमने 2 इंच के नीचे लगा रखा अदरक, तो उसकी जड़ें वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगी, तब तक उसके पहले ही हम उस पौधे को उखाड़ देते हैं। अगर काटा तो क्या होगा, जड़ें नीचे ग्रो करेंगी और गुड़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के सिस्टमेटिक तरीके से हम काम करते हैं, इसमें करोड़ों की तादाद में बीज फेंक देते हैं, जो बीज सबसे पहले ऊपर होता है वो पहले हुआ था उसी को हम पहले उखाड़ के बेच देते हैं, ये सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गई 2 फसलें। अब हमने क्या किया, तीसरी फसल को बचाने के लिए, अदरक फरवरी में कभी लगता क्या? नहीं लगता, कहीं नहीं सुना होगा कि अदरक फरवरी में, और उसका लॉजिक है क्यों नहीं लगता, क्योंकि अदरक सॉफ्ट फसल है, नाजुक फसल है, गर्मी के तापमान में वो फसल ख़त्म हो जाएगी, गर्मी सहन नहीं कर पाएगी अदरक, और कोई भी भाजी भी सहन नहीं कर पाती, इसलिए आपने देखा होगा जो भाजियां हैं वो सभी ठंडी के समय में आती हैं, मेथी, पालक, देखा होगा आपने सभी भाजियां ठंडी में आती हैं, गर्मी में केवल पालक आती है और वो भी बहुत अच्छी नहीं होती उसकी सूरत, क्योंकि ओपन में होती है, खुले में होती है तो धूप पड़ती है तो मोटी हो जाती है वो भाजी, सुंदरता नहीं आती भाजी में, तो बचाना वो वाला और पीछे हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि ये मंडप बनाते हैं, ये बांस लगाया, ठीक है, और ये तार बुन दिया, और तार के ऊपर ये घास डाल दी पतली पतली। ये घास डालने से क्या होता है, 50% धूप आती है, 50% छाया आती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही और डायरेक्ट छाया भी नहीं हो रही। तो ज़्यादा धूप ना पड़ने से क्या होता है कि फसल को जितनी धूप चाहिए उतनी धूप मिल जाती है, जितनी छाया चाहिए उतनी छाया मिल जाती है।
मतलब आप गर्मी में कोई भी फसल इसके नीचे आराम से उगा सकते हैं, उसमें लपट नहीं लगेगी, समझ रहे ना। 50% धूप को ये रोक लेता है तो टेम्परेचर हमारा कंट्रोल हो जाता, लपट हमारी लग नहीं पाती, तो दो फसलें आराम से नीचे हो जाती। अब हमने चूंकि मंडप बनाया तो हमने क्या किया, बांस तो खड़ा किया था, अब बांस के सहारे हमने ये बेला लगा दी, तो ये बेल जाके सीधी ग्रो करेगी और अभी ये फरवरी से मार्च से फलना चालू होगी, इसकी ब्रांचिंग ये आने लगी, अभी नए सूट्स आने लगे, ये जाके इसके ऊपर पूरी फैल जाएगी, तो तीसरी फसल के रूप में हमारी ये हो जाएगी मंडप पर। अब हम क्या करते हैं, इसी जगह पर पपीते लगाते हैं, ये देखिए पपीते लगे ना, ये हमारे अभी दिसंबर में ऑलरेडी लग चुके हैं, 12 बाई 18 पे हम ये पपीते लगा देते हैं। पपीता क्या करता है, अप्रैल तक आते आते इस मंडप के ऊपर निकल जाता है और वो मंडप के ऊपर ही फलता है, देसी वाला पपीता है, 2 साल तक कंटिन्यू चलता है। तो पपीता क्या करेगा, शेड के ऊपर निकल के फलेगा 8 फिट की हाइट के ऊपर और 7 फिट पे ये मंडप बनाया, तो इस पे हमारी बेल वाली सब्जी चलेगी, ज़मीन पर हमारी भाजी वाली सब्जी होगी और ज़मीन के अंदर हमारा अदरक होगा। सब सारी चीज़ें एक ही जगह पर लगाएंगे और सबको ऊपर अलग अलग सिस्टम बनाया कि ये इधर फलेगी, ये इधर फलेगी, ये इधर फलेगी। अब सबका जड़ों का स्तर भी देखिए, सबका अलग अलग होता है, जो भाजी है उसकी जड़ कहाँ से रहती है, ज़मीन से लेके 2 इंच की गहराई तक, अदरक लगा है 2 इंच के नीचे तो उसकी जड़ें कहाँ होंगी, उसके ही नीचे, तो उसकी जड़ें होती 2 इंच से 9 इंच तक। फिर हमने लगाई ये वाली तो ये इसकी जड़ें जाती हैं 2 फिट पैरेलल और 2 फिट डेप्थ तक। फिर लगाया हमने पपीता तो उसकी जड़ें जाती हैं 2.5 फिट गहराई तक, तो जो 2.5 फिट पर खाद और पानी पड़ा है वो मिल गया हमारे पपीते को, जो उसके थोड़े ऊपर पड़ा है वो मिल गया हमारी इस फसल को, जो उसके और ऊपर पड़ा है वो मिल गया अदरक अदरक को, और जो ज़मीन पे पड़ा वो मिल गया भाजी को। तो सबका खाद पानी उठाने का जो स्पेस है वो सब अलग अलग है और जो फलने का स्पेस है वो भी अलग अलग, समझ में आ गई बात। जी सर। इस तकनीक में खर्चे आपके 4 से 5 गुना सीधा कम हो जाते हैं, क्योंकि एक फसल को उगाने में आप उतने ही खर्चे करते हो जितने को 4 में उगाने में कर रहे, तो 4 गुना खर्चा कम हुआ ये, ठीक है। फिर आपकी बचत क्या क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, इसमें कीड़े नहीं लगते, पूछो क्यों, 7 फिट हाइट का हमने मंडप बनाया, जो भी फसलों में कीड़े लगते हैं वो 7 फिट के नीचे ही उड़ते हैं, 7-8 फिट के नीचे ही, तो हमने साइड में ये साड़ी की या ग्रीन नेट की जाली लगा दी, चारों तरफ से पैक कर दिया इसको, तो बाहर के कीड़े हवा के माध्यम से जो उड़ के आते हैं वो आएंगे नहीं, तो कीड़े बाहर के आए ही नहीं। जनरली क्या होता है, हमारे खेत में कम कीड़े लगते हैं, बाहर दूसरे ने दवाई स्प्रे की सो उसके कीड़े उड़ के आपके खेत में बैठ गए, अब जब आप स्प्रे करोगे तब जाके वो कहीं और उड़ेंगे, समझ रहे ना, तो उड़ने वाले कीड़े इसमें आएंगे नहीं। अब खेत में कीड़े पैदा ना हो उसके लिए 2 काम होते हैं, या तो ज़्यादा पानी होता है खेत में तब कीड़े पैदा होते हैं, या खेत में खरपतवार होती है तब कीड़े पैदा होते हैं, तो खरपतवार हमारे खेत में हुई नहीं और खेत में ज़्यादा पानी हमने रखा ही नहीं, 2 बूंद पानी डाला तो आधी बूंद इसको मिल गया, आधी बूंद उसको मिल गया, आधी बूंद डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा, पानी एक्सेस हमारे पास बिल्कुल रहा नहीं, तो खेत में खरपतवार और कीड़े पैदा हुए ही नहीं और बाहर के कीड़े सो आए ही नहीं। फिर उसके बाद अगर 10-20% अगर फसल में लगते हैं कीड़े, तो उसके लिए हम दवाइयाँ बना के रखते हैं, वो दवाइयाँ स्प्रे करते हैं तो कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते, तो 2 हमारे फायदे हो गए। तीसरा फायदा क्या होता है, कोई भी जो है बाहर की मौसम का प्रभाव हमारी फसल पर नहीं पड़ता, जैसे ये मंडप बना दिए, कितनी भी गर्मी पड़ जाए हमारी फसल नीचे झुलसेगी नहीं, समझ रहे ना, कितनी भी जो है ठंड पड़ जाए पाला हमारी फसल में नहीं लगेगा, कितने भी ओले पड़ जाएं तो ओले से हमारी फसल डैमेज नहीं होगी, और पूरा प्राकृतिक है, नेचुरल है, वेंटिलेटेड है, हवा भी आ रही है, ट्रांजेक्शन हो रहा, मौसम के संपर्क में भी है, ऐसा नहीं कि पॉली हाउस जैसा, पॉली हाउस ढक दिया, पता चला कि आप उसमें अंदर घुसे तो 2 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे, फिर फैन चलाना पड़ रहा, तो ये क्या है, सब रेडीमेड सिस्टम है और रेडीमेड सिस्टम में पैसे खर्च ज्यादा होते, पता चला भाव मिल रहा टमाटर का 2 रुपए किलो, लागत आ रही 5 रुपए किलो। भैया एक हाँ जी, जो अदरक लगाए उसके बाद भाजी लगाए, भाजी, भाजी मतलब मेथी पालक सभी प्रकार जो जो भी भाजी बोना चाहें, और ये बेल जो लग रही है ये कुंदरू है, करेला है, पड़ोरा है, परवल है, इसमें से कोई भी एक लगा सकते हैं, फिर उसके बाद ये पपीते लगा ऐसे रहता, तो ये खर्चे कम होते हैं, लागत कम लगती है, कीड़े नहीं लगते, पानी कम लगता है, खरपतवार नहीं होता, खाद कम लगता है और मौसम परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये मॉडल इतना सक्सेसफुल मॉडल है कि इस मॉडल को देखने के लिए बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ चुके और बड़े बड़े लोगों ने इसकी सराहना और तारीफ़ की और इंटरनेशनल लेवल पे इस मॉडल को मान्यता भी मिल चुकी है। अभी हम आपको दिखाते हैं किस लेवल पर ये मॉडल, और भारत सरकार ने भी इसको लेयर फार्मिंग को परंपरागत कृषि विकास योजना में ले लिया गया है। तो
ये शुरुआत की थी हमने, और इससे फिर धीरे धीरे जो समस्याएं हमें आई उनके समाधान खोजते हुए हम यहाँ तक